वो हालत में करंट भी हाफ कर ले को आए थे सो इसके कपड़े फतरा मार रहे हैं सभी मामूली आदमी से नमा नाम पड़ जाते हैं तो वैसे आदमी हम पकड़ ले चले जा रही हैं इनको मकसद क्या था तो इन्हें लड़ने का मकसद चाहिए इंस पूरे तैयारी कर ले कहीं सो रात के 8:30 बजे थे ईदगे में अंदर गाड़ी थी ईदगे में वो रोड पर नहीं क्या बने ईदगे में अंदर कंपाउंड में छोड़ी सो गाड़ी यह हालत से डैमेज बना को छोड़ी इनको 8:30 बजे इनकी रेल निकली रेल निकलने के बाद हमें घर चला गया गाड़ी छोड़ा को सुबह में आकर देखे तो ऐसा फिर डैमेज थी गाड़ी वो पूरा भी फोड़ को गुट्टे डाल को वो कौन फोड़ी करके मालूम नहीं अभी तक इसके वास्ते डैमेज होकर है गाड़ी वो कौन सी रैली निकली वो इनकी वो जो इनकी कौन सी रैली करता हूँ मामूली इनकी निकल चाहे बीजेपी वाले की इनकी रैली शोभा यात्रा तुमने कब मालूम हुआ है हमने सुबह को मालूम हुआ सो रात हुआ है सो हमें सुबह को आकर देखे सो ये सुबह में देखो लड़का को रोड पर आने सो गाड़ी सुबह में देखो नहीं कौन भी आए तो आए नहीं हाँ हमें कंप्लेंट क्या भी दिया नहीं अब कंप्लेंट देखो करना क्या है ना करते क्या अगर बोल कर मैं खामोश रहा अब कंप्लेंट दिया तो लेते हैं क्या हमारा लेते हैं इधर कांतिपुर रख डालते हैं कंप्लेंट दिया तो है ना हमारा डैमेज बन को क्या देते हैं गरीबों का और गरीबों का अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम समीर है कल जहांगीर मोहल्ले के अंदर इन रैली करने को आया इनका एक मकसद क्या था तो 2 घंटे इनके रैली है 5 घंटे के अंदर था लास्ट टाइमिंग इनका लास्ट के रात के 7:30 बजे तक हंस गए थे इन्हों वो हालत में करंट भी हाफ कर ले को आए थे सो करंट हाफ कर ले को ऐसा रैली कर ले गए गए चले खामोश के यहाँ था हमें भी रोजे खोले हमारे कामान से पूरे हमें चले गए इन्हों यहाँ जा खड़िया को हमारे बच्चे यहाँ खड़े थे उनके पर फतरे मारे इनके कपड़े फतरे मारे इन सभी फतरे इन्होंने मार ले को बाद इनके एडमेंस पूरे घर लग मतलब खैर खमा इन्होंने जो पूरे मार ले को लड़ ली सो हाँ उन्होंने लड़ ले को पी ले को लड़ ले को मार ले को मरी सुनो बात देखा तो हमारा आदमी मारी गए को मकसद से झूठ कर लगे ये कर ले कहीं अंदर एक गेम खुजा को कितने गाड़ियाँ थे पूरे गाड़ियों के ऊपर अटैक करी पूरा फोड़ा ली कारण देखो तो कारण फोड़ गई ऐसा गाड़ियाँ से भी मल्ला के फोड़ी मामूली आदमी से भी नमदान पड़ ले जाते हैं तो वैसे आदमी पकड़ ले चले जा रही अच्छे अच्छे मामूली नमदान पड़ ले जा रही मामूली आदमी को कौन सी रिपोर्ट पहने के छुपा पहने के वैसे आदमी पकड़ ले जाकर अंदर डाल रही इनके बारे में कौन बात करने वाला कौन बीच नहीं है यहाँ घरे घर घुसको वहाँ पकड़ ले जा रही मार रही उनके ऊपर कौन एक्शन ले रही नहीं असल कौन करे थे असल पूरा करें उनका मुद्दा पूरा वो था सो इनका मुद्दा पूरा इंसो पूरे इनके रैली में निकाल ले गई सो इनको मकसद क्या था तो इन्हें लड़ने का मकसद चाहिए इंस पूरे तैयारी कर ले कहीं सो ऐसे चला खामोश कहना था इन्होंने फतरे मारी सो भी फिर निज़ाम से भी क्या दिखा रहा है तो मुसलमाना मारी मुसलमाना मारी गला दिखा रही है मारी सो पूरे उनके आदमी से हालांकि हमारा आदमी कौन भी क्या भी से गई नहीं होना तो पूरे इसमें देख लें कैमरा में सीसी कैमरा में पूरा हाँ तो पैसे टेस्ट करके देखें दे हमारा आदमी कौन तो हिंग अगल को पूरा मारी से पूरा मकसद पूरा उनका चाहिए कल जो है रामनवमी की जो रैली थी वो रैली के वक्त अमन से था सब कुछ ठीक ठाक था पुलिस का अच्छा बंदोबस्त था तो पुलिस भी अच्छा काम करी फिर मैं भी वही भी वही एक हमारे एक फ्रेंड पुलिस वाले थे शंकरपा को उनको बात कर लगा खड़ा हुआ था और छोकरे भी इधर से थे कसीर तादाद में उनको सब भगाने के बाद चले गए कोई भी नहीं थे अमन से जाले हुए थे उसके बाद में जो है सडनली जो है ईदगे के जो फ्रेंड के डोर के पास से भगदड़ मच जाती है मालूम पड़ता है कि अपने मुस्लिम्स बोलती हैं कि उधर से फतरा हुआ बोल को और उधर वाले बोलते हैं और पुलिस बोलते हैं कि इधर से फतरा हुआ बोल को अब उसकी जांच बराबर चली तो मालूम पड़ता है और मेन क्या है बोले तो सीसीटीवी कैमरे ही और वो कैमरे सब ले जाको है पुलिस वाले जाको उससे पता लगे तो मालूम पड़ जाता कि इधर से क्या हुआ बोल को तब तक के सच्चे अभी तक के मालूम नहीं उसके बाद सच बाहर आएगा असल मुद्दा क्या है हमारा मुलबागल ताल्लुक बहुत अमन से था जब से ये एमपी मुनसामी आको ही जो हमारे एमपी कोला डिस्ट्रिक्ट के इन्हों आए सो जब से हमारा यहाँ का जो है हिंदू मुस्लिम का भाईचारे को डिस्टर्ब कर रही इन्हों तो यहाँ बहुत अच्छा था कोई भेदभाव हिंदू मुस्लिम क्या भी नहीं था सब अमन से सब भाईचारे से थे जब से ये हमारे जो एमपी मुनसामी ही इन्हों जब से आको ही इन्हों आने के बाद में यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम का भेदभाव और भाईचारा ख़त्म कर डाले और ये कम्युनल क्राइसिस कराने के वास्ते इनकी बहुत बड़ी प्रैक्टिस चल रख है तो फिर ये सक्सेस नहीं हो रही इन्हों तो ये मेन मुद्दा जो है एमएलए इलेक्शन करीब है 1 साल है इसकी वजह से इन्हों इतना सब कुछ कर रही बाकी ये ना यहाँ मुस्लिम्स का कोई फॉल्ट है ना नॉन मुस्लिम्स का कोई फॉल्ट नहीं सब अमन से सब कुछ अच्छे हैं।